ऋषिकेश और अभी हम मॉर्निंग असेंबली से वापस आए हैं। सुबह 6 बजे उठ गए थे आज। और अभी ऐसा है कि आज हमारा शूट है एक फिक्शन का, जिसमें संदीप, मैं और तीसरी दर्शना, हम तीनों एक्ट कर रहे हैं। नितेश भाई क्या कर रहे थे? मैं रिपोर्टिंग इंचार्ज हूं। हां, आज का ये रिपोर्टिंग इंचार्ज है। संदीप क्या कर रहा है? तू तो जैसे संदीप है, ये लीड हैकर, मैं एंकर हूँ उसका और दर्शना एक्ट्रेस है उसकी। बाकी बस अभी फटाफट से तैयार होते हैं, रेडी वीडियो के शूट पे जाएंगे। और बाकी आज तुम्हें कैंपस दिखाते हैं अपने यार, बिकॉज मैंने कैंपस नहीं दिखाया अभी। बाहर का थोड़ा सा व्यू देख लो, अभी रूम से बाहर निकलते ही चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है वो। लेकिन अभी ढंग से घुमाऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले मैं रेडी होके आता हूँ। और आज दबी का सीन कुछ ऐसा है कि मेरे सारे टीम मेंबर्स जा चुके हैं, बस मैं ही बचाऊँ यहाँ पे। और हाँ, एक चीज़ याद है कि ये जो टूर आया है, इस टूर का जो हमारा टीम है ग्रुप बी ब्रह्मास्मी, मैं इसका कोऑर्डिनेटर हूँ। अकेले मैंने, दो लोग और हैं, शुभम और स्वाति। थैंक यू। अब नीचे चलते हैं, 10 बज चुके हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम 9:30 ओवर हो जाता है, मैं लेट हूँ। मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, देखते हैं। चलो के बाहर मौजूद है। और जो हमारा अब आज का जो कार्यक्रम है वो है फिक्शन पे, उसकी स्टोरी है, लव स्टोरी पे बेस्ड है। और हम उम्मीद यही करते हैं कि जिस दिन हमारा ये सब रिलीज होगा, जो हमारे एक्टर हैं, जो हमारी टीम है और हमारी जो मेहनत है, वो कहीं ना कहीं रंग लाएगी और आप सभी को पसंद आएगी। ठीक है जी। तो ये थे शुभम जी, मिश्रा जी, और ये हैं हमारे आज के कैमरामैन, और ये है कैमरा, ये है हमारे BTS जो बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्ड करेंगे, ये है हमारे माइक वाले भैया, ये हैं हमारे फोटोग्राफर भैया। और जैसे कि आपको बताया गया, प्लान थोड़ा चेंज है, तो दर्शना की जगह कास्ट किया जा रहा है अब स्वाति को। और आपको दिक्कत? ठीक है, तो शूट स्टार्ट होगा, फिर मिलते हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एंकरिंग। जो होता है ना, जो दो एक्टर्स हैं और बीच बीच का पार्ट, जो एक एंकर आकर बीच में स्टोरी बताता है, मैं वो कर रहा हूँ। हाँ, मैं नरेटर हूँ स्टोरी का। ठीक है, तो हाय, मैंने पहले बोला था। ठीक है जी, जो भी आएगा बताते रहेंगे आपको। ऑलराइट, तो पहला शॉट रेडी है। ये रहे हमारे दोनों एक्टर्स, ये पहला शॉट है, वो रहे हमारे सर कैमरामैन और पूरी टीम। मेरा जो शॉट है वो उसके बाद है, और अगर शुरुआत अच्छी होगी तो पूरी फिल्म अच्छी बन जाएगी, ऐसा हमारे सर का कहना है। जाके जो भी है देखते भाई, देखो मजा चलो जी, पहला सीन बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन फिर भी रीटेक लेंगे हम। जिंदगी में लड़की ने पूरा दिखा दिया, तूने क्या कर्म कांड किया? ये हमने जान मुझसे लड़ाई करवाई थी सर, इंधन होगी वो जरूरी है, एकदम सीरियस होगी ना वो, तूने जो किया ये वो सारा।
इसने शुरुआत में इतना आउटपुट दोनों ने दे दिया, अच्छा हो जाएगा शूट हमारा। ठीक है जी, पहला सीन जो है बहुत बड़ा शूट होगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रक वगैरह आ गया और माइक का थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम हो गया, बाकी हमारे एक्टर्स की जो एक्टिंग थी वो जबरदस्त। अभी मैं थोड़ा साइड में आ गया हूँ, जो मेरा डायलॉग्स में उनकी रिहर्सल्स कर रहा हूँ, और बाकी तो लौटना तैयार है, मतलब मजे आ रहे हैं। 29 तारीख का ऋषिकेश में है। अभी हो सकता है मैं एक बार बंजी जंपिंग का प्लान बन रहा है, और एक हमारा प्लान बन रहा है रिवर राफ्टिंग दोबारा से करने का। जो भी अपडेट होगा वो आपको आता रहेगा, और हंसते रहो और वो व्लॉग में बने रहो। सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट, और मिलते हैं। आउटडोर शूट, अभी हमारे एक शूट है वो इंडोर है, और हम सारे इक्विपमेंट सारा सामान पूरी टीम अंदर जा रही है रूम नंबर 103 में, और वहाँ के सारे सीन्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस सब के बाद मैं एक चीज कहूंगा कि ना यार, आप जो मर्जी करो लाइफ में ना, लेकिन वो चीज जरूर करो जो दिल से करना चाहते हो, क्योंकि लर्निंग इज लर्निंग इज फन। तो यहाँ पे हमारे सीन्स में कुछ, यहाँ पे हमारे प्लान में कुछ चेंजेस हैं। जो हमारा इंडोर शूट था उसके कुछ सीन चेंज करके हमने एक बालकनी का सीन क्रिएट कराया, और यहाँ पे एक मतलब बालकनी का सीन क्रिएट करके उसमें वहाँ पे दिखाएंगे, तो देखो अभी दिखाता हूँ आपको। चलो सुरेश लगजे पे मुझे मिलो, कुछ बात करनी है, इट्स इम्पोर्टेंट। स्टॉप इट यार, तुम बस कंप्लीट कर मुझसे मिलो। नहीं नहीं यार, सुरेश वाला डायलॉग कोई बोल देगा, ठीक है ये बोल देगा। हेलो सुरेश, मुझे लंचब्रेक में मिलना, कुछ बात करनी है। अरे क्या बात है, बहुत उतावली हो रही हो मुझसे मिलने के लिए, मेरे बिना जी नहीं लगता क्या? ऑलरेडी तो इसमें दोपहर के 1:00 करेक्ट 1 मिनट और है, और मुझे एक बड़ी अच्छी सी इंपॉर्टेंट चीज दिखी। जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, फिर डायरेक्शन या फिर फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं उन लोग के लिए, कि बॉस ये है मेरे हाथ में इस वक्त लॉग शीट, ये लॉग शीट होती क्या है ये, मतलब बोले तो इसमें देखो मैं दिखाता हूँ आपको कि देखो भाई ये लॉग शीट है। जब भी कोई मूवी शूट करते हो ना, तो इसमें सीरियल नंबर दे रखे हैं, अगला है काउंटर नंबर। सर ये काउंटर नंबर क्या होता है? काउंटर शॉट्स के जो काउंटर्स नंबर दिए जो कैमरे पे आते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, तो जो कैमरे पे उसका काउंटर नंबर आता है, फिर आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ शॉट की उस शॉट में हमने क्या शूट किया है, फिर अगला आता है सीन नंबर के कौन सा सीन था, अगला है शॉट नंबर के जो शॉट कौन सा था, और अगला है टेक नंबर के जो हमारा एक्टर और एक्ट्रेस जो भी है उसने उसको शूट करने में कितने टेक लिए, और फिर आगे है रिमार्क्स। ये चीज़ हम कॉलेज में शूट कर रहे थे, सिर्फ कॉलेजेस में होता है, जो बड़ी बड़ी जो जैसे यशराज हो गया, फिर ओल्ड बालाजी हो गया, जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज के जितने प्रोडक्शन होते हैं सब ये लॉग शीट जरूर बनाते हैं। तो जो भी डायरेक्शन के लोग हैं आप में से, वो मतलब देख लो यार बड़ी अच्छी। दोपहर के 1:30 बज चुके, हमारा लंच टाइम हो चुका है, कैंटीन में दरबार सज चुका है, और आओ लंच करते हैं, देखते हैं क्या है। तो जी आज का दावते लंच है टीम पंटर्स के नाम, ग्रुप एफ पंटर्स के नाम, और क्या क्या बैंगन का भरता, दाल चावल रोटी आलू और रायता, बस यही लंच में। थैंक यू, हम मिलेंगे फिर से शूट पे, कर दो।
अरे स्क्रिप्ट लग लेना, कौन देख रहा वहाँ पे स्क्रिप्ट लग नीचे और क्या, जो जरूर आपके दिल को छू जाएगी और हो सकता है कि आप भी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हो। तो आइए देखते हैं सुरेश और सौम्या की लव स्टोरी। ऐसा है कि सुबह 11:30 शूट स्टार्ट हुआ था और सभी टाइम हो रहा रात के 7:45 के करीब और अब खत्म नहीं हुआ ना, अभी भी पूरा नहीं हुआ ना, अभी भी कुछ सीन्स रहते हैं, लास्ट सीन रहता है बस। और मैं सुबह 10 बजे से तैयार होकर बैठा हूँ, शाम को 7 बजे मेरा डायलॉग का नंबर है बस, और यही अभी कल्चर उल्चर देखते हैं। ऑल राइट, तो इट्स 8:30 इन द इवनिंग और जो हमारा फिक्शन का शूट था वो समय पर तय सीमा से पहले खत्म हो गया और पूरा खत्म हुआ। खुशी की बात ये है, खुशी की बात आपको नहीं लगेगी क्योंकि लेकिन इससे जब पहले हमारे ग्रुप से आए थे, मैं बार बार बता रहा हूँ सुबह से, उनका टाइम से खत्म नहीं हुआ था लेकिन हमारा टाइम से खत्म हो गया। तो हम पहले ऐसे व्यक्ति हैं, हमारा ग्रुप ऐसा पहला है जिसने समय से पहले खत्म कर दिया। और टाइम हो रहा है 8:30 का, सुबह कुछ 10:30 के करीब शुरू हो रहा था और फिलहाल मेरे को बहुत ज्यादा तेज भूख लग रही है, तो चलते नीचे कैंटीन में डिनर लग चुका है और आज की थीम है दावतें सुनिए। नमस्कार, और कल वाला व्लॉग जरूर देखना, बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा। शुक्रिया। Thank you.